कहता वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। आज हमारे साथ टीचर्स डे पे महाबल मिश्रा जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उसके बावजूद भी सामाजिक कार्यों के लिए एक बड़ा नाम है, जिन्होंने शुरू से ही, चाहे वो शिक्षा की बात हो, हेल्थ की बात हो, एनवायरमेंट की बात हो, हर जगह जो है उन्होंने अपना योगदान दिया। आज उनके बेटे भी काम कर रहे हैं, वो खुद इतने एक्टिव हैं कि मेरे पास अल्फाज कम हो जाते हैं कई दफा कि वो किस तरीके से इतना समय निकालते हैं। तो आपका स्वागत है मिश्रा जी, आपने इतना कीमती समय निकाला। आज शिक्षक दिवस पे सबका एक ही क्वेश्चन रहता है कि शिक्षा के स्तर में अभी तक हमने कितनी तरक्की करी है। नमस्कार, सबसे पहले तो आज उन महान आत्मा को मैं नमन करता हूँ, प्रथम उपराष्ट्रपति एवं द्वितीय राष्ट्रपति श्री स्वर्गीय राधाकृष्ण, प्रणाम करता हूँ। और यह शिक्षक दिवस के रूप में 1962 से 5 सितंबर को उनका जन्मदिन है जी। तो लोगों ने उनको जन्मदिन मनाने के लिए बात कहा, तो उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में मनाया। तो आज उन्हें मैं नमन करता हूँ और राष्ट्र के तमाम शिक्षक को नमन करता हूँ, जो आज हमारे शिक्षक के रूप में, देखिए बच्चा पैदा लेता है लेकिन ज्ञान का सागर यदि कोई भरता है तो शिक्षक भरता है। तो राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण के साथ साथ समाज के निर्माण में वो शिक्षक एक गुरु के रूप में जो काम करता है, राष्ट्र को मजबूत करता है। और आदमी में ज्ञान की सागर यदि भरता है तो शिक्षक भरते हैं, उन्हें नमन करता हूं। लेकिन आपने एक क्वेश्चन किया आज के युग में शिक्षा के स्तर के बारे में। निश्चित तौर पर शिक्षा का स्तर हमारे दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम लोगों के जमाने से शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा हुआ है, उसमें दुमत नहीं है, हाईटेक हुआ है। और हाईटेक हुआ है तो निश्चित तौर पर हाईटेक हुआ, बच्चों में बहुत ज्ञान आया है जो हम लोगों में वो चीज नहीं है जी। मैं स्वीकार करता हूँ वो हाईटेक का ज्ञान जो बच्चों में आया है वो हम लोगों में नहीं है। एजुकेशन में बड़ा इजाफा हुआ है लेकिन सामाजिक स्तर पर मैं समझता हूँ बच्चों में ज्ञान देना उनके माँ बाप के साथ साथ परिवार पर आप डिपेंड हो गया है। क्योंकि तो कोई भी बच्चा स्कूल से आता है और निश्चित रूप से उसके माँ बाप को शिक्षा के स्तर को सुधार करना चाहता तभी ये संभव होगा और ये होगा राष्ट्र के निर्माण में सहयोग। नहीं, बहुत अच्छी बात कही देखिए आपने मिश्रा जी। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी आज इतनी एडवांस हो गई है कि हम अपने बच्चों को जो शिक्षा पहले किताबों के थ्रू हम देने की कोशिश करते थे शिक्षकों के, अगर आज पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उनको डिसाइड करना कि वो अपने बच्चों को कैसे आगे लेके जाएं। मैं निश्चित रूप से आप इस बात को समर्थन करता हूं, क्योंकि मिडिल क्लास एंड अपर क्लास के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग तो अपने बच्चों को टेक्निक प्रोवाइड करा देते हैं जी। लेकिन जो लोअर क्लास के लोग हैं जो सक्षम नहीं है वो टेक्निकल चीज उपलब्ध नहीं करा पाते हैं जिससे दिक्कत आती है। तो राष्ट्र के निर्माण में तो मैं तो एक बात कहूँगा, राजनीतिक बात नहीं कहूँगा, जो बच्चे हमारा पढ़ रहा है लोअर क्लास के लोग हैं उसको जिस तरह से आप किताब देते हैं, जिस तरह से किताब देते हैं, पेंसिल देते हैं, पेन देते हैं, तो जो बच्चे सक्षम नहीं है उसको हाईटेक के लिए उसको इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड करा दें तो राष्ट्र के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। तभी होगा जब सरकार के मंशा होगा, जब सरकार बड़े बड़े लोगों की लोन माफ कर सकता है तो बच्चे लोगों को टेक्निकली शिक्षा देने के लिए टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट भी प्रोवाइड करा सकते हैं। नहीं देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी। और आज के टाइम में जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम आ रही है कि जो एजुकेशन है
एजुकेशन अब उसका एक कॉमर्शलाइजेशन हो गया। सरकार जो है अगर इसको कंपलसरी करे, जैसा हमारा सोचना है, मैं अपना एक पर्सनल विचार रखता हूँ कि कभी कोई बोले कि इस देश से जिस दिन ये अंगूठा खत्म हो जाएगा कि हर इंसान बैंक में जाने से पहले एक सिग्नेचर करना भी अगर हमें नहीं आता, तो आज हम जितनी बुक पढ़ते हैं उन बुकों में सिर्फ हम एक ही चीज पढ़ते हैं कि भारत एक विकासशील देश है। विकासशील देश किस लेवल पे है वो आज तक एक क्वेश्चन कंटिन्यू बना हुआ है। 1947 में हमारा शिक्षा का स्तर था सिग्नेचर कर सकते 8% जी, लेकिन आज देश में मैं समझता हूँ हमारा हिंदुस्तान में 80% लोग दस्तखत करते हैं जी। 10% जो गांव में या देहात में जो बच्चे स्कूल नहीं देखा वो भी आज है, तो मैं कहता हूँ 90% लेवल तक लोग सिग्नेचर कर ले। लेकिन हिंदुस्तान में आज भी एफिडेविट बनता है तो चाहे वो IAS हो IPS हो उसका भी अंगूठा का निशान लिया जाता है। अंगूठे का निशान का ये है जो करेक्ट व्यक्ति है जी जी। अंगूठे का निशान लेने के बाद आप जो भी जमीन का रजिस्ट्री करना चाहिए, कोई एफिडेविट बनाइए, कोई चीज है तो हमारा दस्तखत होता है। IAS IPS नेता सबका दस्तखत होता है, फिर बाएं हाथ के अंगूठा का निशान कर जाता, उसको चरित्र द्वीप मिलाया जाता है, ये करेक्ट आदमी है। इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जो एजुकेशन में बहुत विकास हुआ है वो 1947 वाला चीज नहीं है। अब बहुत IITM बना, टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना, बहुत सारे स्कूल आए, हाँ कमर्शलाइज हुआ है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जो मिडिल क्लास के लोग, अपर क्लास के लोग, वो अपने बच्चे को कार से भेज देते हैं, पढ़ा देते हैं, हाई क्लास के एजुकेशन दिला देते हैं, एक देखा देखी भी हो गया तो सरकारी स्कूल में नहीं हो पाता, लेकिन डे बाय डे सरकारी स्कूल में भी अच्छा पढ़ाई हो रहा है। जहाँ कहाँ इस पर जोर दिया जा रहा है और जोर देने की आवश्यकता है। बिल्कुल, नहीं बहुत अच्छी चीज है। देखिए मेरा जो थम इम्प्रेशन का वो था कि एक आदमी अनपढ़ इतना ना रहे कि उसको बैंक में भी सिग्नेचर करने की वो रहे, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि वहां पे जहां आइडेंटिटी की बात आती है वहां पे थम इम्प्रेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में, क्योंकि टेक्नोलॉजी होने के बाद भी हम इस चीज को कई जगह जो है वो करते हैं कि जितने आज के टाइम में साइबर क्राइम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक इसको रोकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे महावीर मिश्रा जी पूछना चाहूंगा कि अगर देखिए आपकी इतनी लंबी पारी रही, अगर जिंदगी में एक मौका आपको एजुकेशन को सुधारने के लिए मिले तो उस एजुकेशन में आप क्या सुधार चाहेंगे? देखिए बात अभी है घर घर शिक्षा की बात जहां आनी चाहिए, जितना अभी NGO इस पर काम कर रहा है, तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ हर एक बच्चे को गांव में हो चाहे टाउन में हो, म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन के साइड में हो, हर बच्चे पैदा लेते ही उसका जब 2.5 साल 3 साल हो जाता है स्कूल के जाने का टाइम होता है, सरकार अपने स्तर से उस बच्चे को बर्थडे जो मनाते हैं उस समय ये कर ले उसको स्कूल में जाना है, तब रहा आपकी इच्छा जो हम पढ़ाएंगे बड़े अच्छे स्कूल में, लेकिन जनरल जो होगा गवर्नमेंट पे ये जिम्मेदारी मिले गरीब बच्चों को स्कूल तक ले जाना है। हम लोगों के जमाने में तो हमारी महिलाएं भी जो थी 6ठी 7वीं पास कर लिया, बहुत पढ़ा लिखा माना जाता है, लेकिन आज हमारी बच्चियां देश में बराबर का और जितना हाईली एजुकेटेड है बच्चे हैं उससे कम हमारी बेटियां भी नहीं है, तो हृदय परिवर्तन लोगों का हुआ है। पहले स्कूल नहीं भेजा जाता था लड़कियों का, अब स्कूल में भेजते हैं, ये लोगों में चेंजेज आई है। तो गांव में सरकार को इस दृष्टिकोण से जो जब बर्थ लेते ही उसको डेट नोट करना चाहिए और जब उसकी रजिस्ट्रेशन का टाइम हो तो सरकार को उसको रजिस्ट्रेशन कराया कि नहीं गया, एडमिशन कराया नहीं कराया, ये जान बात होना चाहिए। नहीं बहुत अच्छी चीज है। दोस्तों मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि महावीर मिश्रा जी ने जो अपने विचार आज शिक्षक दिवस पर रखे हैं कि घर घर शिक्षा वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और आज हमारी बेटियां जो है बेटों से कम नहीं है, इन्होंने उस चीज पे भी दिया कि पहले क्या एक शिक्षा का स्तर था, हम अपनी बच्चियों को नहीं भेज पाते थे, लेकिन आज के टाइम में वो हमारे कंधे से कंधा मिलके जो है वो आगे बढ़ रही हैं, चाहे स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, एनवायरमेंट हो, संस्कृति हो, हर जगह उनका योगदान है। तो शिक्षक दिवस पे आज उनके विचार डिजाइन न्यूज में उन्होंने जो रखे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इतनी बेबाक राय रखना कि हर हर शिक्षा
देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चा पैदा होने के 3 साल के बाद ही माँ बाप को आज जो टेंशन है वो एक हो जाती है कि मुझे इसको DPS में लेके जाना है, मुझे किसी और बड़े स्कूल में लेके आना है। अगर वो शिक्षा का स्तर हमारा सरकारी लेवल से भी शुरू हो जाए तो एजुकेशन के लिए किसी कॉमर्शलाइजेशन की उसकी जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे आज भी अगर हम देखेंगे IAS और IPS वो बच्चे हैं जो कि लैंप के नीचे बैठ के आज भी पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम में भी दूर दराज देशों में हमें, दूर दराज हमारे राज्यों में हमें मिलते हैं कि किस तरीके से मेहनत करके आज हमारे बच्चे एजुकेशन को लेके आ रहे हैं। तो शिक्षक दिवस पे पूरे अपने समाज को, अपने शिक्षकों को, अपने गुरुओं को मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं उन्हें बधाई देता हूं कि वो इसी तरह समाज के अंदर अपना जो एक रूप है, एक अच्छे कलाकार की तरह, एक तस्वीर को तराशने की तरह, वो रूप को अपना निभाएं और हमेशा हमारे पे अपना आशीर्वाद बना के रखें, यही मैं कामना करता हूं। थैंक यू दोस्तों। डिजायर न्यूज, वास्तविकता वही जो हमने कही।